साल 2021 जाने को है और 2022 आने को है, तो साल 2021 रिया कैसा रहा है रिया का ये साल? तो रिया इस साल के कुछ पल तो मैंने आपके साथ भी बताए हैं, जैसा कि आप जानते हैं और आप जानते हैं कि हम लोग उदयपुर गए थे। तो साल 2021 मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीता। जहाँ लोगों को काम की कमी थी, मुझे बहुत सारा काम मिला, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैं बहुत घूमी और भगवान की दया से मैं पूरे टाइम सेफ भी थी, मैंने डबल वैक्सीनेशन भी लिया, सो एवरीथिंग हैपेंड वेल फॉर मी। सो या आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैड अ रियली गुड ईयर एंड आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग लाइक व्हेन इट कम्स टू वर्क आई डिड द म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज, फिल्म, द शो। सो या तो सारे पड़ाव वो कहेंगे इसी साल पूरे कर लिए रिया ने, वेब सीरीज से लेकर शो तक, मतलब सीरियल्स। तो कैसा, मतलब पूरा धमाकेदार रहा है ये? हाँ, ये साल मेरा धमाकेदार रहा है क्योंकि मैंने एक्चुअली सब कुछ कर लिया। आई डिड ऑडियो ड्रामा ऑल्सो, ऐड भी किया है मैंने एक नए प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब भी किया है, इफ़ यू नो शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग, तो उनका एक बहुत ही पॉपुलर सिटकॉम है, उसमें भी मैं आई हूँ। सो या आई एक्चुअली कवर्ड एवरीथिंग दिस ईयर, आई फील सो ब्लेस्ड। एक थिएटर रह गया यार, अब अगले साल थिएटर। तो सबसे ज़्यादा ये मतलब इन सब चीज़ों में करने से सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, मतलब क्या इन्जॉय किया सबसे ज़्यादा? वेब सीरीज, सीरियल, यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग हर चीज़ की एक अपनी अलग इन्जॉयमेंट थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज क्योंकि सबके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट है, तो काम करने का तरीका अलग होता है, आपके साथ लोग भी अलग होते हैं, तो एक अलग एनर्जी होती है। जैसे फॉर द वेब सीरीज़ वी वर शूटिंग इन अ होटल फॉर अ वीक, तो हम लोग वहीं रुके ही थे, वहीं शूट भी कर रहे थे, तो उसका अलग मज़ा था। ये टीवी शो के लिए हम लोग उदयपुर गए थे, तो उसका अलग मज़ा था। तो या आई मीन आई कांट कंपेयर, बट एवरीथिंग वॉज गुड। मतलब सब एक्सपीरियंस, सब अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है शो जो चल रहा है जी, तेरे बिना जिया जाए ना, जिया जाए। तो ये जो सस्पेंस था, जो रोमा के पीछे का सस्पेंस अभी भी कैसा चल रहा है, वो ये कैरेक्टर कितना जी रही है, रोमा बन के कैसा लग रहा है? सो जैसे हर कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है, रोमा का भी एक ग्राफ है। पहले आप लोगों ने रोमा को बड़ा ही खूंखार देखा था और आँखों से ही हार्ट अटैक दे देगी, वैसा कुछ कैरेक्टर था। अभी रोमा धीरे धीरे, ऑफ कोर्स एवरी पर्सन हैज़ अ सॉफ्ट साइड आल्सो, सो अब धीरे धीरे आपको रोमा के और भी साइड्स दिखाई देंगे कि वो खूंखार तो है ही, लेकिन मे बी शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, एंड एज यू ऑल नो दैट शी ऑलरेडी केयर्स फॉर हर फ्रेंड, सो दैट काउंट्स एज अ सॉफ्ट कॉर्नर। एंड धीरे धीरे वो इस शो में और भी मिस्ट्रीज है वो सॉल्व करने वाली है, जिसके लिए आपको तेरे बिना जिया जाना देखते रहना पड़ेगा। एंड आई एम लविंग माई कैरेक्टर बिकॉज एज यू ऑल नो आई ऑलवेज डू हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल शो। तो ये जो है, मतलब काफ़ी कम गहने, मतलब उसमें भी था थोड़े बहुत तो, लेकिन हिस्टोरिकल मैं बता रही हूँ, मेरे शो में ना सबने साड़ी वाड़ी झुमके सब पहने, आई एम दी ओनली वन जिसको देख के बोलते हैं भाई जीन्स में आ जाती है यार, एंड आई एम लाइक ट्रस्ट मी आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, आई वॉज वेटिंग टू डू अ शो वेर आई कैन एक्चुअली वेयर टॉप एंड जीन्स, एंड I'm experimenting with my looks, I'm wearing different jewelries, doing different hairstyles, and I'm enjoying it, I'm loving it. तो ये तो हो गई ये साल की बात है, अब 2022 में क्या सोचा है, क्या resolution, क्या करना बाकी रह गया है रिया के लिए? सब कुछ रिपीट करना है जो 2021 में किया है वही 2022 में करना है, बट विद डिफरेंट पीपल, विद डिफरेंट क्रू, विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड विद समथिंग बेटर ऑफ कोर्स। और न्यू ईयर के क्या प्लान्स है, क्या करने वाली है रिया, क्या सोचा है? कुछ नहीं यार, पता तो है क्या हो रहा है हमारे देश में, बीमारी अपडेट होके आ गई है, एंड व्हेनेवर इट्स टाइम टू सेलिब्रेट वी कांट सेलिब्रेट, सो लास्ट ईयर आई वाज विद माय फैमिली, आई थिंक दिस ईयर एज वेल आई एम गोना बी विद माय फैमिली, और वी माइट हैव अ वेरी स्मॉल गैदरिंग, हाउस पार्टी, लाइक 3-4 फ्रेंड्स, दैट्स इट, बट लेट्स सी, मोस्टली आई विल बी एट होम ओनली लाइक एवरीबडी एल्स प्लीज, लाइक हमें नहीं चाहिए कि हमारे, आई जस्ट रेड कि 100+ केसेज हो गए हैं, आई रियली डोंट वॉन्ट कि यार और केसेज हो, नहीं तो हम लोग जो थोड़ा बहुत बाहर जा पाते हैं वो भी बंद हो जाएगा यार, क्या आप लोग ऐसा चाहते हो? नहीं ना, मैंने अभी मास्क नहीं लगाया बिकॉज आई एम शूटिंग, बट वी आर वेयरिंग मास्क एंड एवरीथिंग, वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, सो प्लीज़ आई होप यू ऑल्सो टेक केयर। रिया की तरफ से विश भी हो जाए? ओ यस, जैसे 2021 हम सबका 2020 से बेहतर गया, आई होप कि हमारा 2022 2021 से बहुत बेहतर जाए और बीमारी हमें छू ना सके, हम ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, काम करते रहे, हंसी खुशी खेलते रहे, और
आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर।